नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम एक और अपडेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं दोस्तों। आज का जो हमारा अपडेट है वो है SSB असिस्टेंट कमांडेंट का। और नोटिफिकेशन देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आर्मी के रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। तो उसके रिलेटेड अगर आप आर्मी रिलेटेड कोई भर्ती देख रहे हैं या उसका रिजल्ट पेंडिंग है या एडमिट कार्ड आ रहे हैं तो उसका अपडेट हम देते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बिल्कुल जो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कोई भी अपडेट नहीं देते हैं। तो अभी का जो रिक्रूटमेंट का जो हम अपडेट लेकर आए हैं वो SSB असिस्टेंट कमांडेंट का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और उसकी नोटिफिकेशन देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, वहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन अपडेट कर दी गई है। तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन अभी तक आने वाला है, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन इनका आ चुका है। और आप इनकी साइट पे विजिट करके भी ये चीज़ देख सकते हैं। ये रही दोस्तों वो नोटिफिकेशन, और PDF इसका देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे हमने ये अपलोड कर दिया गया है। और बात करेंगे इसमें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और 13 पोस्ट जो है वो तो टोटल निकल कर आ रही है दोस्तों। और असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन की ये रिक्रूटमेंट है, ग्रुप ए में जो आती है दोस्तों। और बात करेंगे सैलरी की, तो अगर आप इसमें जब भर्ती हो गए तो इसमें 56,100 से लेकर 1,77,500 इसमें आपको सैलरी मिलेगी। और अदर अलाउंस जो भी है वो सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं, तो इसमें जर्नल की जो 6 वैकेंसियाँ हैं, AWS की 1 है, OBC की 3 है, SC की 2 है, ST की 1 है। टोटल वैकेंसियाँ 13 है, और 10% वैकेंसी जो है सर्विस मैन के लिए रिजर्व रखी हुई है। और 10% का 13 में से एक पोस्ट जो रहेगी वो एक्स सर्विस मैन के लिए रहेगी। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसमें आप देख सकते हैं। और एज में बात करेंगे तो एज इसमें 18 से 35 इसमें रखी गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 18 से 35 के बीच में अगर हैं तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। वह एज़ पर रोल आपको इसमें एज रिलाइजेशन भी मिलने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की, और इलेक्ट्रॉनिक की। और ये तीन चार ट्रेड हैं दोस्तों, इनमें से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, और बस ये तीन चार हैं। इन अगर इनकी आपके पास डिग्री पड़ी हुई है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और 18 से 35 के बीच में आपकी एज है। और अगर आपके पास NCC है तो बेनिफिट मिल सकता है आपको, लेकिन डिज़ायरेबल रखा हुआ है तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। और आपको जो है वो लास्ट डेट से पहले पहले इसको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा, नहीं तो आप फिर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर्म का लिंक ओपन होते ही आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म अप्लाई करके सबमिट करना होगा। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो दोस्तों वो है आपकी 400 रुपया रखा गया है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। और अदर कैटेगरीज में 0 रुपये पे करेगी, मतलब फ्री का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई मोड देखेंगे आप तो ऑनलाइन इसमें अप्लाई फॉर्म आपके मांगे जाएंगे। और नोटिफिकेशन देखने के लिए आप SSB की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और ये था इस शॉर्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो थोड़ा अपडेट था हमने दे दिया है, लेकिन फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम आपको बाकी का जो, अगर आपको लगता है कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर जैसे फुल नोटिफिकेशन आता है तो वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, और अपने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम आपको बता देंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। और ये था आज का कुछ अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के जोर से शेयर करें। और अब लेते हैं हम आपसे विदा, मिलेंगे किसी कैसी बड़ी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।